कैंसर को ज्यादातर एक बड़ी उम्र की बीमारी मानी जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि कैंसर बच्चों में, टीनेजर्स में या 20s या 30s की एज में भी हो सकता है? तो आज यंग एज के कैंसर से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ हूं। तो दोस्तों, हमारी ओपीडी का जब हमने डेटा एनालाइज किया तो हमने पाया कि हमारे एक तिहाई पेशेंट्स की उम्र 40 से कम है, और यंग एज वाले कैंसर पेशेंट इनफैक्ट हमारी कंट्री में काफी कॉमन है। और पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली मुझसे ये पूछते हैं कि सर, मेरी उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है और मैंने कोई बुरी आदतों का सेवन नहीं किया, तो मुझे इतनी यंग एज पे कैंसर क्यों हो गया? तो यंग एज का कैंसर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पर फॉर्चुनेटली ये ऐसे कैंसर है जिनको फ्रीक्वेंटली ठीक किया जा सकता है और जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो आज हम यंग एज के कैंसर के बारे में आपके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे नंबर वन, कैंसर की हमारी कंट्री में नॉर्मल एज या उम्र कितनी होती है, यानी किस उम्र पे यूजुअली कैंसर होते हैं। नंबर टू, जो कैंसर नॉर्मली ओल्ड एज पे होते हैं, यदि वो यंग एज पे हो जाए तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। नंबर थ्री, ऐसे कौन से कैंसर है जो सिर्फ छोटे बच्चे यानी जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है उनमें होती है। नंबर फोर, ऐसे कौन से कैंसर है जिनकी उम्र, जिनकी इंसिडेंस 10, 20 या 30 की उम्र में होता है, यानी 40 ईयर से यंग एज में होता है। और नंबर फाइव, जो कैंसर यंग एज के पेशेंट्स में होते हैं उनका प्रोग्नोसिस या सर्वाइवल कैसा होता है और क्या इन कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैंसर की एवरेज एज क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि कैंसर एक ओल्डर एज की बीमारी है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की एज बढ़ती है कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता रहता है, क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन में ही कैंसर ज्यादा होता है। यदि फॉर एग्जाम्पल हम सबसे कॉमन कैंसर इन आवर कंट्री की बात करें, तो फीमेल्स में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, और इसमें जनरली सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर 40-50 की एज में होते हैं यूजुअली, जो ओवेरियन कैंसर है यूजुअली 50-60 की एज में होता है, और यूट्रस का कैंसर यूजुअली 60-70 या उससे ओल्डर एज में होता है। सिमिलरली जो मेल्स के सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर है वो है लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मुंह और गले का कैंसर, और इसमें से लंग और मुंह और गले की जो नॉर्मल एवरेज एज है वो 40-50 की रेंज में है, और जो प्रोस्टेट कैंसर है उसकी जनरली एवरेज एज 50 के बाद है, यानी 50-60s एंड 70s की है। तो जैसे आपने देखा है, सारे कैंसर की एज यूजली 40s के बाद ही होती है और मोस्ट कैंसर की एज 50s के बाद है। तो क्वेश्चन नंबर टू ये है कि जो मैंने कैंसर आपको अभी बताए ओल्डर एज के, ये यंगर एज में क्यों हो जाते हैं? तो क्या हमने देखा है कि इंडिया में काफी कॉमन फिनोमिनन है कि एक यंग एज पे यानी 40s या 30s में ही पेशेंट को ये कैंसर जो कि यूजुअली ओल्डर एज में होते हैं वो हो जाते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं जो पॉसिबल है। नंबर वन, कुछ फैमिलीज में कैंसर जेनेटिक होता है, तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होती है और कैंसर का रिस्क पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट होके बॉडी में होता है। ऐसे में जो इनहेरिटेड या फैमिलियल कैंसर होता है ये यूजुअली लोअर या यंगर एज को होता है और ये ज्यादा एग्रेसिव होता है। अच्छी चीज क्या है कि आजकल इन जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए टेस्ट करना काफी इजी और चीप हो गया है, और हमारी जनरली प्रैक्टिस ये होती है कि जिन पेशेंट्स को यंग एज का कैंसर होता है उन्हें हम जेनेटिक टेस्टिंग जरूर ऑफर करते हैं, ताकि उनके कैंसर में भी ट्रीटमेंट्स मिले और उनकी फैमिली को भी कैंसर के रिस्क से बचाया जा सके। नंबर टू होता है एक्सेसिव कार्सिनोजन एक्सपोजर। तो फॉर एग्जाम्पल जो लोग केमिकल इंडस्ट्री जैसे डाई इंडस्ट्री या एस्बेस्टॉस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, गुटखा, पान मसाला, चटरा का सेवन करते हैं, या एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करते हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि कार्सिनोजन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली कुछ लोग जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, नेट रिजल्ट ये होता है कि बहुत यंग एज में कैंसर हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये फिनोमेनन हमने मुंह और गले के कैंसर में देखा हुआ है कि यंग एज में एक्सेसिव कार्सिनोजन एक्सपोजर से पेशेंट को यंग एज का कैंसर हो जाता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने का एक सिंपल तरीका है कि अल्कोहल, टोबैको और कार्सिनोजेनिक इंडस्ट्रियल केमिकल से अपने आप का बचाव करें। नंबर थ्री कॉज जो यंग एज के कैंसर का है वो है डेमोग्राफिक। तो दोस्तों, इंडिया एक यंगर कंट्री है, इंडिया की एवरेज एज यंगर है, और
कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी पॉपुलेशन ओल्डर है, इंडिया में कैंसर कम होता है, परंतु चूंकि ओवरऑल पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से यंग है इसलिए ओवरऑल कैंसर का इंसिडेंस भी यंगर पेशेंट में यूएस से कंपेयर ज्यादा देखा जाता है। तो समटाइम देर इज नो कॉज, इट इज जस्ट ड्यू टू रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन, यानी पर्सन का नॉर्मल लाइफ के कोर्स में जो सेल्स में डीएनए डैमेज होता है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से पेशेंट को कैंसर होता है। और चूंकि यंगर पॉपुलेशन में यंगर पॉपुलेशन है सिंपली, इसी रीजन से हम हमारी पॉपुलेशन में यंगर पेशेंट ज्यादा देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे कि ये कौन से कैंसर है जो छोटे बच्चे यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। तो दोस्तों 10 साल से कम उम्र के बच्चों में कुछ स्पेशल कैंसर होते हैं जो अर्ली लाइफ में होने वाले जेनेटिक डैमेज की वजह से होते हैं, और यूजली इन कैंसर का क्योर रेट बहुत हाई होता है, यानी इनका ठीक होने का चांस एक्सट्रीमली हाई होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर जो बच्चों में होते हैं वो होते हैं ब्लड कैंसर, जिसमें ल्यूकीमिया और लिम्फोमा आता है, ब्रेन ट्यूमर जो कि यूजुअली स्लो ग्रोइंग या लो ग्रेड ब्रेन ट्यूमर होते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा जो कि आंखों के पर्दे यानी रेटिना का कैंसर होता है, विम्स ट्यूमर जो कि बच्चों की किडनी में होने वाला एक स्पेशल तरह का ट्यूमर होता है, न्यूरोब्लास्टोमा जो कि एक स्पेशल तरह के सेल जो बॉडी में यूजली एब्डोमेन में पर दूसरे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट कर सकता है उसका होने वाला यंग एज का कैंसर होता है, बोन एंड मसल ट्यूमर यानी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि हड्डी जिसमें ऑस्टियोसार्कोमा या एविंग सार्कोमा, या मसल जिसमें वेरियस सार्कोमास जो कि सॉफ्ट टिश्यूज को भरने वाले ट्यूमर है वो हो सकते हैं। यूजली इन ट्यूमर्स का भी क्योर रेट काफी अच्छा रहता है, और हेपेटोब्लास्टोमा जो कि बच्चों में होने वाला लिवर का कैंसर होता है। तो इन सारे कैंसर में कुछ कॉमन चीजें हैं, यूजली इनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी सर्जरी और रेडिएशन से होता है, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में इन ट्यूमर्स का जड़ से इलाज पॉसिबल है यदि इनका अर्ली फेज पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए। इवन स्टेज 4 बच्चों के कैंसर में ज्यादातर केसेस में क्योर पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में कौन से ट्यूमर कॉमन है। तो दोस्तों एडोलेसेंट और यंग एडल्ट से हमारा तात्पर्य होता है टीनेजर्स, 20s एंड 30s की उम्र वाले पेशेंट, और इन पेशेंट में कुछ स्पेशल टाइप्स के ट्यूमर है जो कॉमन होते हैं, जिनमें नंबर वन होते हैं ब्लड कैंसर यानी जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जो कि खून के होने वाले कैंसर होते हैं, नंबर टू होते हैं गोनाडल कैंसर, तो गोनाडल कैंसर यानी मेल्स में टेस्टिस का कैंसर और फीमेल्स में ओवरी का कैंसर, इस एज ग्रुप में एक जर्म सेल कैंसर नाम का कैंसर होता है जो कि कॉमन होता है, नंबर थ्री होते हैं बोन और मसल के ट्यूमर्स, जैसे हमने पिछले सेक्शन में भी डिस्कस किया मसल और हड्डी से स्टार्ट होने वाले ट्यूमर एज ग्रुप में कॉमन होते हैं और उनका ट्रीटमेंट यूजली काफी इजीली किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे एडोलेसेंट ट्यूमर्स का जड़ से इलाज होने का चांस बहुत अच्छा होता है और क्योर रेट काफी हाई होता है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन ट्यूमर्स का प्रोग्नोसिस कैसे होता है, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया जनरली ये ऐसे ट्यूमर है जिनको टाइम से यदि पकड़ा जाए और ट्रीटमेंट किया जाए तो इनका जड़ से इलाज होने का बहुत हाई चांस है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम टेस्टिकुलर कैंसर की बात करें तो फैले हुए टेस्टिकुलर कैंसर यानी जो टेस्टिकुलर कैंसर लंग में बोन में ब्रेन में फैल गया है उसमें भी जड़ से इलाज होने का चांस बहुत हाई होता है, और जो टेस्टिकुलर कैंसर अर्ली स्टेज पे है यूजली 95 से 99% लोगों का जड़ से इलाज हो सकता है। ऐसा ही आउटकम अन्य ट्यूमर्स में भी देखा गया है, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में अडोलेसेंट्स यंग एडल्ट और चाइल्डहुड कैंसर में क्योर रेट 80% के करीब माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि इन कैंसर को टाइम से आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और जो हमने बातें आपको यंग एज के कैंसर के बारे में बताया आपके लिए यूजफुल रही हो। हमारे चैनल का पर्पज ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट हमारे देश के पेशेंट्स को उनकी अपनी भाषा में मिले, और लेटेस्ट कैंसर रिसर्च जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सेलुलर थेरेपी एक्सेट्रा के बारे में पेशेंट्स को मोस्ट एक्यूरेट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। यदि वीडियो के कंटेंट में कुछ ऐसे सवाल है आपके जो हम आंसर नहीं कर पाए तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया चैनल से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन वेरी सून।